नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजने के एक दिन बाद वित्तीय जांच एजेंसी ने उनके कथित करीबी सहयोगी विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के अनुसार एजेंसी ने दोनों को शुक्रवार की एजेंसी के मुख्यालय पर पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने गुरुवार को संजय सिंह को हिरासत की मांग करते हुए अदालत को सूचित किया था कि मिश्रा को उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में आप नेता की ओर से 1 करोड़ रुपए मिले थे। अपने रिमांड नोट में ईडी ने कहा कि सिंह को कथित दिल्ली शराब घोटाले में 2 करोड़ रुपए का अपराध आय प्राप्त हुई है और यह स्पष्ट है कि ईडी की जाँच से पता चला है कि व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने आपके संचार प्रभारी विजय नायर के निर्देश पर अगस्त अक्टूबर 2021 के दौरान समीर महेंद्र से 3 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। नायर पैरनोड ने थोक व्यवसाय को महुद्र की इकाई की मंजूरी देने की सुविधा प्रदान कर रहे थे। जांच में पता चला है कि इस राशि में से 1 करोड़ रुपए नायर के निर्देश पर मिश्रा यानी कि संजय सिंह के व्यक्ति को दिए गए थे। ईडी ने आरोप में लगाया है कि यह राशि अरोड़ा के एक कर्मचारी द्वारा सिंह के घर पहुंचाई गई थी। इसके अलावा अरोड़ा को नायर के निर्देश पर 5 अप्रैल 2022 में अभिषेक बोइनपल्ली से 4 करोड़ रुपए भी मिले थे। 4 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपए हरिंदर सिंह ने डिफेंस कॉलोनी में बोइनपल्ली कार्यालय से एकत्र किए थे। इसमें से 1 करोड़ रुपए नकद अरोड़ा के एक कर्मचारी द्वारा आप सांसद के घर सर्वेश मिश्रा को दिए गए थे। अगली खबर, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने त्योहारों के पहले एक बार फिर लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। लगातार चौथी बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद कहा कि सभी प्रशासनिक पहलू पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। इस दौरान आरबीआई के गवर्नर ने जीडीपी के अनुमानों को भी कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सितंबर के महीने में महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार महंगाई की ऊँची दर अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। गवर्नर के अनुसार एमपीसी के 6 में से 5 सदस्य अकोमोडेटिव रुख बरकरार रखने के पक्ष में रहे हैं। एमपीसी के सभी सदस्यों के दरों की स्थिर रखने के पक्ष में सहमति भी दी थी। आरबीआई गवर्नर ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी खर्च से निवेश की रफ्तार में तेजी आई है। FY24 की दूसरी तिमाही में वृद्धि का दर का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया है। तीसरी तिमाही के लिए भी विकास दर का अनुमान 6.6% पर भी अपरिवर्तित रखा गया है। इस दौरान आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पॉलिसी दरों से लंबे समय तक ऊंची दरों पर बने रहने का अनुमान है। अगली खबर, मुंबई के गोरेगांव में शुक्रवार तड़के एक बिल्डिंग की पार्किंग में लगी भीषण आग में 5 महिलाओं सहित कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और 51 अन्य घायल हो गए हैं। बीएमसी आपदा नियंत्रण ने यह जानकारी दी है। MG रोड पर जय भवानी बिल्डिंग में 2000 वर्ग फुट की पार्किंग में आग सुबह करीब 3 बजे लगी है। आग ने कम से कम 4 कारों और 30 दोपहिया वाहनों को अपनी चपेट में लिया और फिर बिजली के मीटर बॉक्स सीढ़ियों तक फैल गई और देखते ही देखते आग की लपटें आवासीय मंजिलों तक पहुंच गई। मुंबई पुलिस, मुंबई फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंची और ग्राउंड फ्लोर पर आंशिक रूप से रहने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों के साथ 30 निवासियों को बचाने में कामयाब रही। मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जिसमें 5 महिलाएं और 2 नाबालिग और 2 पुरुष शामिल है। साथ ही 51 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें 22 महिलाएं शामिल हैं। 5 मरीजों की हालत गंभीर बताई गई है, बाकी को छुट्टी दे दी गई है। अधिकांश पीड़ितों को एम्बुलेंस से HPT अस्पताल और कूपर अस्पताल के आसपास के अन्य अस्पतालों पर ले जाया गया है। बीएमसी आपदा नियंत्रण ने कहा है कि अग्निमिशन कार्यों का की जांच की जा रही है। मुंबई के कोरेगांव में लगी आग पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं नगर निगम आयुक्त और पुलिस तो लगातार बात कर रहा हूं। जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सरकार उनके परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। जो लोग घायल हैं उनका इलाज सरकार की ओर से कराया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने रणबीर कपूर के बाद महादेव बुक्स कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच के सिलसिले में हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा और हिना खान जैसी मशहूर हस्तियों को तलब किया है। ईडी के सूत्र ने कहा कि एजेंसी ने उन्हें छत्तीसगढ़ के रायपुर में उनके सामने पेश होने के लिए कहा है। वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को तलब करने के एक दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। सूत्रों ने कहा है कि कई मशहूर हस्तियां जांच एजेंसी के रडार पर हैं और आने वाले दिनों में उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। आरोप है कि कई मशहूर हस्तियों ने मोटी रकम के बदले में महादेव मुक्स पे मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन का समर्थन किया था।
सूत्र ने कहा कि यहां तक कि संयुक्त अरब अमीरात के फर्म में प्रमोटर सुनील चंद्राकर की भव्य शादी भी कई बॉलीवुड हस्तियों ने भाग लिया था और पिछले महीने कई गई तलाशी के दौरान वित्तीय जांच एजेंसी के होटलों के भुगतान और परिवहन खर्च का विवरण भी मिला था। आरोप है कि महादेव बुक्स ने दुबई में विवाह समारोह कार्यक्रम पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें परिवार के सदस्यों को नागपुर से संयुक्त अरब अमीरात तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे। ईडी की जाँच यह भी पाया गया है कि शादी में परफॉर्म करने के लिए मशहूर हस्तियों का काम भी रखा गया था। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से काम पर रखा गया था और नकद भुगतान करने के लिए वाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था। अगली खबर, भाजपा ने राहुल गांधी पर राजनीतिक हमला जारी रखते हुए उन पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी राजनीति को फैंसी ड्रेस कंपटीशन समझ बैठे हैं। भाजपा ने अभी अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर 31 सेकंड का वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट कहा, राजनीति को फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन समझ बैठे हैं राहुल गांधी। इस वीडियो में राहुल गांधी द्वारा हाल ही में कुली बनकर सामान उठाने के वीडियो और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कुलियों से बात करने के वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा ने कटाक्ष किया कि भैया जी, इनकी प्लानिंग में कोई बदलाव नहीं है, न चुनाव में सोच, तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, जनहित में जारी। इससे पहले न्यूज़ क्लिक मामले में एक्स पर एक और पोस्ट करने पर भाजपा ने कांग्रेस, चीन और पाकिस्तान के संबंधों का आरोप लगाते हुए इसे देश विरोधी करेक्शन का दिया था। अगली खबर, सिक्किम में आई बाढ़ में 7 सैनिकों समेत कम से कम 21 लोग मारे गए हैं। गौरतलब है कि इस बाढ़ में भारतीय सेना के 23 जवान भी लापता हुए थे। फिलहाल अभी 15 जवानों की तलाश जारी है। इस बीच भारतीय सेना उत्तरी सिक्किम में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को भोजन, चिकित्सा सहायता और संचार सुविधा प्रदान कर रही है। बाढ़ के बाद सड़क और अन्य जगह पर गाद भर गए हैं, उन सभी को साफ करने का काम जारी है। अगर मौसम ने साथ दिया तो फंसे हुए पर्यटकों को निकालने का काम शुरू किया जा सकता है। गुवाहाटी में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि भारतीय सेना के लापता जवानों की तलाश की जा रही है। तलाशी का ध्यान तीस्ता बैराज के निचले इलाकों में केंद्रित है। सिंगताम के पास बुरडाग में घटना स्थल पर सेना के वाहनों को खोद कर निकाला जा रहा है। खोज अभियान के सहित के लिए TAMR ट्रैकर कुत्तों, विशेष डॉक्टरों की टीम के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा संसाधन लाए गए हैं। इस बीच त्रिशक्ति कोर भारतीय सेना के जवान लाचन, चाटन, लाचुंग और चुंगथान के क्षेत्रों में 14 मौजूद 1471 पर्यटकों का पता लगाया गया है। माना जा रहा है कि आज मौसम में सुधार होता है तो हेलीकॉप्टर के मदद से फंसे हुए पर्यटकों को निकालने का काम शुरू किया जाएगा। इसी योजना राज्य सरकार, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से बनाई जा रही है। रावत ने बताया कि क्षति का आंकलन करने और सड़क संपर्क की बहाली की योजना के लिए सभी एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। वाहनों के आवागमन के लिए एक लेन को साफ करने के साथ सिंगताम और बूरदांग के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। अगली खबर, अमृतसर के मजीठा रोड स्थित क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स फैक्ट्री में गुरुवार को आग लग गई। फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में हुई आगजनी की घटना में एक किशोर, एक महिला समेत 4 कर्मियों की मौत हो गई है। फैक्ट्री मालिक ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। वहीं फैक्ट्री में आग लगते ही हड़कंप मच गया। अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को जहां से रास्ता मिला हुआ वहां से बाहर निकल गए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने करीब आधा दर्जन गाड़ियों की मदद से देर रात तक आग पर काबू पाया है। इसके बाद आग में फंसकर मौत का शिकार हो चुके किशोर कुलविंदर सिंह, रानी सुखजीत सिंह तथा गुरभेज सिंह के शव को बाहर निकाला गया है। मृतकों में परिजनों की फैक्ट्री मालिकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दवा फैक्ट्री के सामने धरना शुरू कर दिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जब आग लगी तो फैक्ट्री के अंदर काफी कर्मचारी काम कर रहे थे। आग लगते ही सभी बाहर की तरफ भागे। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जब अपनी छुट्टी के समय बाद भी घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने फैक्ट्री की तरफ दौड़ लगाई। हादसे में मारी गई रानी की बहन ने बताया कि बहन जब छुट्टी के बाद घर नहीं आई तो वह उसे ढूंढते हुए फैक्ट्री पहुंची। यहां आकर पता चला कि आग लगी है और उसकी बहन समेत 4 लोगों की जान चली गई है। मारे गए लोगों ने फैक्ट्री के मालिकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।